तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, पंचायत सीजन 3 आ चुका है। वो पंचायत जो अपनी लिखाई के लिए जानी जाती है, पंचायत सीजन 1, पंचायत सीजन 2, जो लेगेसी, जो लेजेंडरी लेगेसी उन्होंने अपने फर्स्ट एंड सेकंड सीजन में कमाई थी, वही चीज कैरी आउट करते हुए, फॉलो करते हुए सीजन 3 में लेके आए हैं और इससे बेहतर लेके आए हैं। भाई सीजन 3 थोड़ा लेंथी है, शुरुआत थोड़ा इतनी जबरदस्त नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मिड में पहुंचे हैं उसके बाद जो एंगेजिंग कहानी हुई है भाई, मजा आ गया। क्योंकि ये पंचायत की अगर मैं बात करूं तो इसकी लिखाई ही सबसे बेस्ट चीज है। इसका जो प्रीशियस पॉइंट है, जो डायमंड पॉइंट है, वो है इसकी लिखाई। एक एक चीज को, एक एक करेक्टर को जिस हिसाब से लिखा गया है, जिस हिसाब से उसको समझ के रिप्रेजेंट किया गया है, देन उसके बाद वो करेक्टर जो भी रोल प्ले करे गए हैं एक्टर्स के द्वारा, वो तो और भी लाजवाब है। और भाई साहब, ये वेब सीरीज जब आई थी तो इतना कोई बड़ा बजट नहीं था, कोई बड़े चेहरे नहीं थे, लेकिन इस वेब सीरीज ने अपनी जगह बनाई लोगों के दिलों में, क्योंकि इसकी लिखाई बहुत ही प्यारी थी। एक एक चीज पर जो बारीकी से काम करा गया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से लिखा गया है, देन उसके बाद उसको रिप्रेजेंट किया गया है, भाई वो बहुत हिट करके जाएगा। अगर आपने कोई विलेजर्स लाइफ एक्सपीरियंस करी होगी, एकदम से हिट करके जाएगी। कोई अगर शहरी बंदा भी है, अगर वो कहीं विलेज में गया है और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, तुरंत हिट करके जाएगा। और हम तो खैर हैं ही गाँव वाले, तो हमें तो ये हिट करके ही गया है भाई। लिटरली अगर किसी को देखना है कि भाई गाँव की लाइफ कैसी होती है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, एक एक चीज, कोई ऐसा फैक्ट वगैरह जबरदस्त का मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया है, एज इट इज जो होना चाहिए, जैसे लोग वहाँ पर होते हैं, अलग अलग मेंटलिटी के, कोई बूस्ट करना चाहता है, कोई क्रिंजियस्ट होता है, कोई ऐसी ऐसी बातें करके जाएगा जो बेतुकी होंगी, भाई वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। लाइक अगर बात कैरेक्टर्स की करें और स्टोरी की करें, तो स्टोरी तो खैर दमदार है ही है भाई। पूरी स्टोरी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वेब सीरीज बहुत लंबी है, लेकिन कुछ एक पॉइंट यहाँ जरूर बता के जाऊँगा कि भाई क्यों ये वेब सीरीज इतनी ज़्यादा हिट कर रही है, क्यों लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रही है भाई। क्यों, अगर बात करें एंडिंग की, तो एंडिंग उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले गया हूँ भाई। बहुत प्यारी एंडिंग करी गई है, खासकर ऐसा होता नहीं है कि एंडिंग इतनी प्यारी हो जाए किसी भी वेब सीरीज की जो लेंथी हुआ करती है। खासकर सीजन 1, जब सीजन 2 में हम वो फन फैक्टर देखकर आ चुके हैं और सीजन 3 में वैसा कुछ ना मिले, तो हाँ थोड़ा सा इस टाइम इमोशनल वाला हिसाब किताब इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन भाई ये हिट भी करता है, ये एक तुक मिजाज भी बनाता है कि सीजन 1-2 में आपने बहुत फन ले लिया, लेकिन भाई लाइफ ऐसी ही नहीं चलती, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है कि एक एक बंदे की लाइफ में अपनी अपनी जो दिक्कतें हैं वो किस हिसाब से हिट करके जा रही हैं, देन उस दिक्कतों को दूसरा बंदा कैसे ओवरटेक करके जाएगा, क्योंकि भाई आपस में कहीं ना कहीं तो जंग छिड़ी ही रहती है और उसका फायदा यहाँ पर लोग उठाएंगे, यानी दुश्मन का वगैरह वगैरह। भाई बहुत कुछ है इस वेब सीरीज में, जरूर देखना अगर आपके पास कुछ नहीं है तो, दमदार है। बाकी बात अगर कैरेक्टर्स की करें तो भाई ऑल आर अमेजिंग। जैसे होता ये है कि अपने बॉलीवुड में खासकर जो मेन लीड पर है उस पर ही अधिकतर ध्यान दिया जाता है। हाँ, जितेंद्र कुमार जो अपने सजीव जी है दिया है, लेकिन ऐसा नहीं किया है डायरेक्टर्स ने या मेकर्स ने कि सारा ही बोझ अच्छे या बुरे का, यानी हिट या फिर फ्लॉप का, उन्हीं के कंधे पर डाल दिया। भाई हर एक कैरेक्टर की जो वैल्यू है वो बिल्कुल उभर के आई है, हर एक कैरेक्टर ने जो अपनी छाप छोड़ी कि भाई एक आइडिया लग जाएगी, अगर यार ये कैरेक्टर ना होता तो ये इनकम्प्लीट थी, वो एक एक कैरेक्टर कंप्लीट करके। लाइक प्रहलाद जी का कैरेक्टर भाई बहुत सॉलिड कैरेक्टर लगा है इसमें, जो 2-3 कैरेक्टर उभर के आए हैं भाई बहुत टच करके गए। जब भी वो स्क्रीन पे आ रहे थे, मतलब मांग हो रही थी, अपने दिल से मांग हो रही थी कि यार वो बंदा कहाँ चला गया, इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की जगह उस बंदे को सामने लेके आओ तो मज़ा आ जाएगा। लाइक दूसरी तरफ भाई विकास का कैरेक्टर जो सहायक है, देन उसके बाद प्रधान एंड प्रधान की बीवी का कैरेक्टर, वो भी बहुत दमदार देखने को मिला है। देन उसके बाद रिंकी का कैरेक्टर भी जबरदस्त है, उसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, अगर वो ना होता तो फिर क्या ही बात थी, क्योंकि भाई सचिव जी और उन दोनों में जो लव एंगल छिड़ा है और इस बार जो कोशिश थोड़ी हद से बढ़कर निकली है, लाइक वो एरा दिखाने की कोशिश करेंगे जो 90s के टाइम पर अधिकतर देखने को मिला होगा, फिलहाल आजकल तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। देन उसके बाद विधायक जी का कैरेक्टर ले लियो, और भाई भूषण का कैरेक्टर भाई नेगेटिव रोल में वो क्रिंजिएस्ट पर्सन, भाई आपको नफरत करा देगा खुद से कि यार ये है क्यों, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ को बतंगड़ बनाना, भाई बहुत बेवकूफियत वाली चीज़ को ऐसा बतंगड़ बना के वो रोल प्ले कराया गया है भूषण का जो करेक्टर है, भाई बड़ी प्यारी लिखाई हुई है उसमें। देन उसका प्रहलाद का करेक्टर, उप प्रधान जिसकी बात करें, वो बड़ा प्यारा लिखा गया है। उसके बेटा जो एक था फौज में, उसकी शहादत हो जाती है, देन उसके बाद वो सिंपथी के बेस पर वो करेक्टर हिट हो सकता था, लेकिन जिस हिसाब से वो रोल प्ले करा गया है, जिस हिसाब से प्रेजेंट करा गया है,
सिंपथी नहीं आई उसके लिए, वो जिस हिसाब से प्रेजेंट किया गया है उसमें एफर्ट मारा गया है वही काफी था उसके लिए। भाई बहुत नोटिसेबल था वो कैरेक्टर, बहुत नोटिस करोगे उसमें और एक हद तक आप उससे टच भी करके जाओगे। उसके बाद वही विनोद, सुन रहा है ना विनोद, ये वाला कैरेक्टर, भाई विनोद का कैरेक्टर बड़ा ही प्यारा लगा है इसमें। बहुत कुछ है, जाके जरूर देखना, लेंथी जरूर है लेकिन भाई मजा आ जाएगा, पूरी आपको बांध के रखेगी। एंड टर्निंग पॉइंट वहाँ पर आएगा जब कहानी की शुरुआत ये है कि भाई मतलब मेन कहानी फोकस दो तीन चीज़ों पर है, एक तो रोड को बनाने को लेकर कि भाई रोड बन नहीं रही है लेकिन उस रोड में सचिव भी परेशान है, प्रधान भी गिर रहे हैं वो अपने टांग तोड़वा रहे हैं, सब लोग परेशान है, विधायक जी आते वो अलग परेशान है, कोई भी मेहमान आता है वो अलग परेशान है। कॉन्ट्रोवर्सी में कैसे बदलेगी वो था जब प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई थी उस पर किस किस का नामांकन होगा, यानी फुलेरा में दो पार्ट डिवाइडेड चल रहे हैं, एक पूर्वी एक पश्चिमी, और अपने जो प्रधान जी हैं वो पश्चिमी से हैं और वहाँ ज़्यादा घर मिल जाते हैं और देन पूर्वी फुलेरा वालों को कम घर मिलते हैं, तो वो सारा कंट्रोवर्सी। और इसमें भूषण का जो योगदान रहेगा उस चीज़ को और भी ज़्यादा आगे क्रिंजिएस्ट तरीके से फैलाने के लिए वो अलग देखने को मजा आएगा। तो भाई साहब मेरा पर्सनली यही रिकमेंडेशन रहेगा कि यार इसे नहीं देखा तो क्या देखा, क्योंकि इतनी प्योरिटी से चीज़ें फिलहाल तो नहीं आ रही हैं अपने बॉलीवुड में या इंडियन सिनेमा में। एंडिंग की अगर मैं बात करूं जो फाइट सीन इसमें हुए हैं, फाइट सीन ऐसा कोई सीरियस नहीं भाई, बहुत मजा आ जाएगा, फुल फन वहां पर देखने को मिलेगा। प्रधान जी की अलग गैंग है यानी फुलेरा वालों की, विधायक जी की अलग गैंग है, अब ये लड़ाई कैसी होगी वो भाई आप इस सीजन में खुद देख लेना। बाकी यहाँ तक पहुंच गए तो इसका वीडियो पसंद आइए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही, जय हिंद।